पिंजौर पुलिस स्टेशन में राजतन क्षेत्र के सरपंचों की मीटिंग पिंजौर थाना प्रभारी मुकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें रायतन क्षेत्र के सरपंचों में जनोली सरपंच, ब्रिजभूषण, गणेशपुर भौरिया सरपंच नरेश कुमार, मंगनीवाला पंचायत के सरपंच कृष्ण कुमार, जैथल पंचायत के सरपंच प्रेमचंद, खोई पंचायत के सरपंच पति नीलम लक्ष्मण शर्मा, अन्य सरपंचों की पति शामिल थे। हमारी मीटिंग ऐसे हिसाब से हुई जी आज, और हमारी वार्तालाप हुई जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उनको शांतिपूर्वक निपटाने के लिए। आने वाले लोकसभा के चुनावों को शांतिप्रिय ढंग से निपटाने के उद्देश्य से सरपंचों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस बार के लोकसभा चुनावों में शरारती तत्वों पर गाँव के सरपंच और पंच पैनी नजर रखेंगे और सरपंच इसकी सूचना पिंजौर पुलिस को देंगे और पुलिस उनके खिलाफ कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो भी लोकसभा चुनाव होंगे उसमें जो शरारती तत्व हैं या बाहर से कुछ शरारती तत्व आते हैं उनके ऊपर निगाह रखो, और ताकि यहाँ जो आपका लोकसभा चुनाव है शांतिपूर्वक हो सके, अगर कोई शरारती तत्व दिखे तो मेरे को तुरंत सूचित करें और मैं वहाँ तुरंत पहुँचूंगा और कार्रवाई करूँगा। गौरतलब है कि हरियाणा की 10 सीटों पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिस कारण पूरे हलके में शरारती तत्वों पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है।